फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, सिनोप्सिस, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ गिल्स, स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स, टाइप्स ऑफ एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेफरेंस, हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं यहाँ पे, तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं यहाँ पे। तो जंतुओं में विभिन्न शारीरिक क्रियाओं जैसे चलन, वृद्धि एवं प्रचलन हेतु निरंतर एनर्जी की आवश्यकता होती है। जंतुओं में ऊर्जा की प्राप्ति खाद्य पदार्थों के द्वारा की जाती है। इस ऊर्जा की प्राप्ति हेतु खाद्य पदार्थों का आक्सीकरण किया जाता है। ऊर्जा की नियुक्ति की यह प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। श्वसन क्रिया में O2 का उपयोग किया जाता है तथा CO2 का उत्पादन किया जाता है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, मछली में श्वसन दो प्रकार से होता है। पहला बाइगिल्स एसेसरी ऑर्गन्स। बाइगिल्स मछलियों में गिल्स जो है फीदर्स की तरह के अंग होते हैं जो अधिक वेस्कुलराइज्ड कैपिलरीज के द्वारा बने होते हैं। इनमें O2 और CO2 का विनिमय होता है। गिल क्लैप्स में पाए जाते हैं। इनमें संवहनी और जो है फिलामेंट्स, लेमिनी, अग्रवर्ती और पश्चवर्ती पाए जाते हैं जो विभाज्य गलफड़ों की दीवार पर आउटग्रोथ के रूप में होती है। टाइप्स ऑफ गिल्स की हम बात करें तो यह समानतः दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल गिल्स और इंटरनल गिल्स। हम एक्सटर्नल गिल्स की बात करें तो इसके रेशे अध्यावरण की बाहरी सतह से बने होते हैं तथा वेस्कुलर आर्क पतली अध्यावरण से ढकी रहती है। यह केवल डिप्लोई के लार्वा में पाई जाती है। उदाहरण जो है प्रोटोप्रेटस, पेटरस और लेपिडोरिजन। इंटरनल गिल्स की हम बात करें यहाँ पे तो इंटरनल गिल्स यह सभी मछलियों में पाए जाते हैं। यह जो है फेरिजियल पाउच से विकसित होते हैं और वयस्कों में गिल क्लैप्स में पाए जाते हैं। स्थिति और कार के आधार पर गिल्स को निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, स्यूडोब्रैंक और होलोब्रैंच। स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स की हम बात करें यहाँ पे तो समानता है, चार जोड़ी गिल्स टीलियोस्ट में पाए जाते हैं। टू रॉस प्राइमरी गिल जो है लेमिली। हर गिल आर्क के का जो है कैरेटोब्रैंकियल एस्पेक्टम जो है स्पेटम और जो एपीब्रैंकियल जो है सेगमेंट के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इंटर गिल्स आर्क के जो है सेरेटोब्रैंकियल सेप्टम और एपीब्रैंकियल सेगमेंट के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इंटरब्रैंकियल खंड दो रॉस लैमेली के बीच में होता है और दोनों रॉस के जो लैमेली डिस्टल एंड्स फ्री होते हैं। गिल्स की पूर्ण संरचना फ्रेश वाटर टेलोस्ट में डट्टा और जो है मुंशी के लिए के द्वारा दिया जाता है। हिस्टोलॉजी ऑफ गिल फिलामेंट। गिल तंतु गिल का कार्यात्मक अंग होता है। यह थिन डेलिकेट और जो है गॉर्गेट ब्लड के साथ ढकी रहती है। यह दो रॉस पूर्ववर्ती और पश्चवर्ती गिल आर्क पर व्यवस्थित रहते हैं। सभी मछलियों में गिल जो हैं फिलामेंट का अरेंजमेंट गिल आर्क पर होता है। गिल तंतु में संवहनी किस्म के अनोखों प्रकार के प्लास्टर जो है सेल्स पाए जाते हैं जो एपिथेलियल सेल्स के कंटिन्यूस फलक पे बंद रहते हैं। मसल्स ऑफ गिल आर्क। तो सभी गिल्स आर्चेस जो हैं मैं दो पेशियों के सेट्स पाए जाते हैं अडक्टर और एबडक्टर मसल्स फॉर्मर सेट इंटर ब्रांचियल स्पेक्ट्रम में के ऊपर पाया जाता है।
और क्रॉस करके दूसरे साइड से होता है तथा हेमी ब्रांच जो है कि अपोजिट साइड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। बाद में पेशियों का सेट गिल के स्केलेटन आर्च आर्च के साथ प्रॉक्सिमल एंड्स व गिल रेस से जुड़ा रहता है गिल एपिथेलियम की हम बात करें यहाँ पे तो गिल हेड एक मोटी या पतली एपिथेलियम के द्वारा ढकी रहती है जिसमें अधिक संख्या में श्लेष्मयुक्त ग्रंथि पाई जाती है। लैमिला एपिथेलियम द्वारा ढकी रहती है जो समानता दो स्तरीय होती है जो क्लेरियस और एनाबेस में बहुस्तरीय एपिथेलियम रहती है जो 5 से 18 माइक्रोन वाली होती है और इसमें जो है अमेबोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ द गिलफिशेस मछलियों के गिल्स में कुछ विशिष्टीकृत सेल्स पाए जाते हैं। म्यूकस सेल्स एक टिपिकल गोबाल्ट प्रकार के होते हैं और ये थिन फिल्म ऑफ म्यूकोस स्रावित करते हैं और ये रेस्पिरेटरी एपिथेलियम की पानी की कमी से बचाव करती है। दूसरा एसिडोफिल ग्रंथि सेल्स में पाई जाती है और बेसोफिल मस्ट सेल्स जिसे हेपरिन के जो है रिजर्वायर में होता है। बाई एट्राई न्यूक्लियाइड ग्रंथि सेल्स पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त क्लोराइड सेल्स पाए जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन थ्रॉग गिल लैमिला समानता है टीलियोस्ट जो है W2 मिस्ट्री और कटला हिल्सा एलिशा में एक अफ्रेंट क्लोवाहिनियों और एक अफ्रेंट ब्रांचियल वेसल्स गिल आर्क पाई जाती है परंतु कुछ टीलियोस्ट लिवियोरोहिता आदि में दो एफ्रेंट ब्रांचियल जो है सेल्स हर गिल आर्च में पाई जाती है। हर एफ्रेंट ब्रांचियल वेसल्स जाकर गिल आर्च की पूरी लंबाई में जाती है और एक सीरीज प्राइमरी एफ्रेंट ब्रांचेस जे से निकलती है जो प्राइमरी गिल लैमिला में जाती है। हर प्राइमरी एफ्रेंट वेसल्स विभाजित होकर सेकेंडरी वेसल्स में जाती है। टाइप्स ऑफ एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तो विभिन्न प्रकार के सहायक श्वसन अंग मछलियों में पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के होते हैं। स्किन अश रेस्पिरेटरी ऑर्गन कुछ विशेष प्रकार की मछलियां जैसे भारतीय ईल एंगुला में तथा अत्यधिक महीन व प्रवेश होती है तथा यह श्वसन सतह पर का कार्य करते हैं अतः काफ़ी समय तक पानी के बिना भी जीवित रह सकती हैं तथा नम वनस्पति में दूर दूर तक जाती हैं। कुछ मछलियां स्थानांतरित होती हैं जो स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। दूसरा बक्कोफेरेंजियल एस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स समानता टीलियोस्ट जो है बट्टू मिस्ट्रेस आकर कतला हिल्सा एलियसा में एक एफ्रेंट क्लोम वाहनियों और एफ्रेंट ब्रांचियल वेसल्स गिल आर्च पाई जाती है परंतु कुछ टीलियोस्ट लोब्यूरोहिता जो है कार्बिट्रेट ट्रेस्ट और जो है एनाबेस टेस्टुडिनल्स आदि में दो एफ्रेंट ब्रांचियल वेसल्स पर गिल आर्च में पाई जाती है। हर एफ्रेंट ब्रांचियल वेसल जाकर आर्च की पूरी लंबाई में जाती हैं और एक सीरीज प्राइमरी एफ्रेंट ब्रांचेस से निकलती हैं जो प्राइमरी गिल लैमिला में जाती हैं। हर प्राइमरी एफ्रेंट वेसल्स विभाजित होकर सेकेंडरी वेसल्स में जाती है। पांचवा टाइप्स ऑफ एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ये निम्न प्रकार के होते हैं। स्किन एस रेस्पिरेटरी ऑर्गन कुछ विशेष प्रकार की मछलियों जैसे इंडोनियल एंगुला में त्वचा अत्यधिक महीन व प्रवेश होती है तथा यह श्वसन सतह का कार्य करते हैं अतः यह काफ़ी समय तक पानी के बिना भी जीवित रह सकती है। तीसरा नंबर जो है
एयर सैक्स और एयर चैम्बर्स ऐसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ये कुछ अधिक उन्नत प्रकार के श्वसन अंग हैं जो एफियोसिफोलस तथा एम्फीफियंस मछलियों के में ग्रसनी सरल प्रकार के वायु कक्ष में विकसित होते हैं। कुछ समय तक वायु संग्रहित रहती है और ये कक्ष अत्यधिक संवेदनीय होते हैं। 14 जो है अपर्कुलर चैम्बर एस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। कुछ मछलियां जैसे जो है पेरियोथेलेमस में वायु को संग्रहित करने के लिए अपर्कुलर चैम्बर विशेष रूप से परिवर्तित वायु मुख में से होकर गिल स्लिट पर से होती हुई कुछ समय तक जो है अपर्कुलर चैम्बर में संचित रहती है। 5 नंबर ब्रांचियल जो है डाइवर्टिकुला एस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। गिल चैम्बर के ऊर्ध्व अन्य मछलियों में पाए जाने वाले साधारण ग्रसनी प्रक्रिया अपेक्षा ज़्यादा अधिक जटिल वायवीय सहायक अंग होते हैं। 6वां नंबर जो है न्यूमेटिक चैम्बर एस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जो है सेकोब्रांचियस मछलियों में वन पेयर जो है मेगाट्यूबुलर वायु कोश होते हैं। ये गिल कक्ष के आउटग्रोथ प्रोसेस के रूप में विकसित होते हैं। ये पार्श्विक कोश में प्रथम गिल स्लिट्स से पूंछ के मध्य भाग तक फैले रहते हैं। इन कोश की वाल व झिल्ली अत्यधिक संवेदनीय होते हैं। 7वां नंबर जो है गट एपिथेलियम एस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। दो डोरास जो है गोबुअस तथा मिसग्रियंस आदि मछलियों में आंत्र की आंतरिक सतह पर श्वसन अंग का कार्य करती है। आउट ग्रोथ ऑफ पेल्विक फिन्स एस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अमरीकी लंगफिश जो है लेपिडोरसियन में प्रजनन काल में नर के श्रोणी पंख जो है बड़े हो जाते हैं। इन पर तंतु जैसे संवहनी प्रक्रिया विकसित हो जाती है। एयर ब्लेडर एस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। उच्च अस्थि मछलियों का वातावरण अनिवार्य रूप से एक द्रव स्थैतिक अंग है, परंतु निम्न अस्थीय मछलियों में वायु आशय हवा में सांस लेने के लिए फेफड़ों की तरह कार्य करता है। एक्सटर्नल गिल्स एस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। मछलियों में बाहर गिल्स बहुत अधिक संवहनी और फिलामेंटस एक्टोडर्म से आउट ग्रोथ से बनते हैं तथा वेस्क्रियल आर्क आउटर सरफेस से ढकी रहती है। ओरल पेपिला एस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जो है इलेक्ट्रोफोरस में गिल्स जो अच्छा होते हैं। ये जो है कंपेंसेट जो हैं होकर मुख से लार्ज एंड पेपलिया के रूप में निकलते हैं। 12वां नंबर जो है जो दोस्तों लेबरिन थीफॉर्मस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। लेबरिन थिन जो है ऑर्गन कुछ परचेस में पाए जाते हैं। ये जो है कक्ष से जुड़े होते हैं और अपरकुलम और गिल्स के बीच जो है एक्स्ट्रा ब्रांचियल कक्ष बनाते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा मेरे चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।